बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। संधि क्या होता है, संधि किसे कहते हैं? तो आपको पता है, जब दो वर्णों या दो व्यक्तियों का आपस में मेल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि जब दो राजा आपस में युद्ध को विराम करके मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उन दोनों के बीच संधि हो गई। इसी तरह जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं, एक नए शब्द की रचना करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि। जैसे शरण धन आगत, तो क्या हो गया? शरणागत। नर धन ईश, नरेश। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। तो ये दो शब्द मिलके एक नए शब्द की रचना करते हैं, तो ये कहा जाता है? इन दोनों के बीच संधि हो गई। तो संधि आपको समझ में आ गया? अब हम चलते हैं संधि विच्छेद। अब जैसे सूर्योदय, तो इसको हम विच्छेद कर देते हैं, सूर्य और उदय को अलग अलग कर देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद। यानी जो हमारे बीच संधि हुई थी उसको हम विच्छेद कर दिए, उसको खत्म कर दिए। अब आता है संधि के भेद। संधि के कुल कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के आपस में मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब ये दो स्वर कैसे? जैसे आप देखो यहाँ लिखा है मत धन अनुसार, और मत में अंत में क्या आता है? आप जानते हो कि हर व्यंजन में अवर्ण मिला हुआ होता है, तो यहाँ क्या हो गया? त में अ मिला हुआ तो यहाँ अ आ गया, और यहाँ अ है ही है, तो ये अ और अ दोनों मिलके क्या हो गए? आ। तो यहाँ किसका मेल हुआ? दो स्वरों का, तो ये बन गया मतानुसार। तो आप समझे कि यहाँ किसका मेल हो रहा? स्वर और स्वर का। तो कौन सी संधि हो गई? स्वर संधि। गज धन आनंद, यहाँ गज में अ है, यहाँ आ है, तो अ और आ मिलके क्या हो गए? आ। तो यहाँ कौन सा मिला? दो स्वर मिले, तो ये दोनों स्वर मिलके आपस में परिवर्तन लाते हैं शब्द में, तो यहाँ हो गया गजानन, यानी ये स्वर संधि। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? पांच भेद होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब ह्रस्व या दीर्घ में अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों के मेल से आ, बड़ी ई और बड़ा उ हो जाते हैं, तो वहां कौन सा स्वर होता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जब हम दो समान व्यंजनों को आपस में जोड़ते हैं, दो समान स्वरों को आपस में जोड़ते हैं, जैसे अ और अ मिलके क्या लिख देते हैं? आ। ऐसे ई और ई मिलके क्या लिखेंगे? बड़ी ई। तो जब हम दो स्वरों को आपस में जोड़ते हैं और उसमें बड़ा लिखते हैं, तो वहां क्या हो जाता है? दीर्घ संधि। जैसे सत्य धन अर्थ, तो ये अ और अ आया, तो यहाँ क्या हम लिख देंगे? सत्यार्थ, आ हो गया। जैसे नारी धन इच्छा, यहाँ बड़ी ई है, यहाँ छोटी ई है, दोनों मिलके हम क्या करेंगे? बड़ी लिख दिए, तो क्या हो गया? नारिक्षा। तो ये कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। फिर आता है गुण संधि। जब अ अथवा आ के बाद क्रमशः ई उ री आए तो उसके स्थान पर ए ओ और अर हो जाता है। जैसे नर धन इंद्र, तो ये क्या हो गया? नरेंद्र। यहाँ क्या है? अ है, और यहाँ क्या हो गया? ई। अ और ई मिलके क्या शब्द बन गए? ए। तो ये क्या हो गया? नरेंद्र। भाव प्लस उर्मि, यहाँ अ है, यहाँ उ है, तो अ और उ मिलके क्या हो गया? ओ। तो ये क्या हो गया? भाव उर्मि। तो यहाँ कौन सी संधि हो गया? गुण संधि। गुण संधि में एक और पहचानने का तरीका आपको बताते हैं कि इसके में जो बीच का शब्द होता है उसमें ए या ओ की मात्रा लगी हुई होती है। जब बीच के शब्द में ए या ओ की मात्रा हो तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ कौन सी संधि है? गुण संधि। अब आगे आता है वृद्धि।
जो आप एक ये भी समझ से, वृद्ध यानी वृद्ध हो चुका या बड़ा। तो जब अ आ के बाद ए आए औ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए और औ हो जाता है, तो वहां कौन सी संधि हो जाती है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जैसे आप जो इसमें पहचानने का तरीका है कि इसमें जो बीच का शब्द है इसमें ए या औ की मात्रा लगी होती है। जो बीच का शब्द होता है तो उसमें क्या रहता है? ए या औ की मात्रा लगी हुई होती है। जैसे ए कैक, कै ए की मात्रा हो गई, मतैक्त त में ए की मात्रा हो गई, तो और महोज महाधन ओज महोज, तो इसमें औ की मात्रा हो गई, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। अब आता है यण संधि। इ उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसके मेल से क्रमशः य व और अर हो जाता है, तो वहां क्या हो जाता है? कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि। यण संधि में एक इसको पहचानने का तरीका है, जो इसके बीच जहां दोनों शब्दों के या दोनों वर्णों के बीच जहां संधि होती है वहां आपको आधा शब्द मिलता है। जैसे प्रतिधन एक प्रत्येक, तो इसमें क्या लग गया? आधा शब्द लग गया। स्वक्ष सुधन अक्ष, तो इसमें आधा च लग गया, तो ये क्या हो गया? यण संधि। इसको पहचानने का तरीका है कि जहां दो वर्णों दो शब्दों का संधि होता है उसमें एक आधा शब्द आता है, तो जहां आधा शब्द आए बीच में आप तुरंत पहचान जाओगे कि कौन सी संधि है? यण संधि। फिर आता है ययादि संधि। जब ए ए और ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः अय आय औ आव हो जाता है, तो वहां कौन सी संधि होती है? ययादि संधि। ये जैसे यहां है नेधन अन, यहां आता है ए और यहां आता है अ, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है? अय। तो इसका इसको संधि करने में क्या हो जाता है? नयन। तो यहां कौन सी संधि हो जाती है? अयादि संधि। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब हम कल आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बताएंगे।